रेडियो खांची हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची बोल रहा हूँ। आज का यह मेरा लेक्चर समाजशास्त्र विषय में प्रतिष्ठा पा रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद है। विशेषकर ग्रामीण कॉलेजों से समाजशास्त्र विषय में प्रतिष्ठा की उपाधि पाने वाले बच्चों के लिए यह लेक्चर बहु उपयोगी सिद्ध होगा। इस लेक्चर का टॉपिक प्रोजेक्ट वर्क है, जिसे हिंदी में परियोजना कार्य कहा जा सकता है। इस लेक्चर के लिए मैं विद्यार्थियों के लिए दो पुस्तकों की चर्चा करूंगा, जिनकी सहायता से वो इसमें और लाभ पा सकते हैं। पहली पुस्तक है समाजशास्त्र जीके अग्रवाल की और दूसरी पुस्तक है समाजशास्त्र डॉक्टर एसएस पांडे की किताब। इस प्रोजेक्ट वर्क का लाभ समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के अलावा शेष वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी बहु उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव समाज का उद्भव एवं विकास कई चरणों में हुआ और विश्व के हर एक समाज की अपनी संस्कृति होती है और धीरे धीरे समाज एवं संस्कृति के व्यवस्था के मध्य समाज निरंतर गतिशील रहता है। इस दौरान समाज में विभिन्न तरह की समस्याओं का भी उद्भव होता है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और प्रोजेक्ट वर्क जैसे कार्य इसमें बहुआयामी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। किसी विषय अथवा समस्या का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन की जो योजना तैयार करते हैं उसे परियोजना कार्य कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी अध्ययन की व्यवस्थित पूर्व योजना को ही परियोजना कार्य कहा जा सकता है। यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। परियोजना कार्य सूचनाओं के आधार पर एक विशिष्ट विषय का विश्लेषण करता है। हमें याद रखना चाहिए कि सामाजिक शोध और परियोजना कार्य दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब जैसे आप ऐसे समझें कि शोध का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परियोजना कार्य का क्षेत्र छोटा होता है। शोध के लिए परियोजना कार्य की महत्ता होती है। तात्पर्य है कि हम परियोजना कार्य के निष्कर्षों के आधार पर बड़े पैमाने पर शोध कार्य को कर सकते हैं। शोध का विषय एवं क्षेत्र विस्तार में होता है जबकि परियोजना का क्षेत्र छोटा होता है, समग्र छोटा होता है। शोध के लिए उपकल्पना की आवश्यकता होती है जबकि परियोजना कार्य में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। परियोजना कार्य में समय एवं खर्च बहुत कम लगता है जबकि सामाजिक शोध में समय एवं खर्च ज्यादा होते हैं। परियोजना कार्य किसी भी सामाजिक शोध के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि परियोजना कार्य किसी अध्ययन की एक सरल रूपरेखा है जिसकी सहायता से हम समाज के किसी भी छोटे समूह, समुदाय व समस्या के बारे में एक सामान्य तौर पर बहुउपयोगी तथ्यों व विशेषताओं को ज्ञात करते हैं। परियोजना कार्य को कैसे करना चाहिए, परियोजना कार्य के क्या क्या चरण हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। परियोजना कार्य को सर्वेक्षण का एक सरल रूपरेखा कहा जा सकता है। वर्तमान वैश्विक युग में ऐसे परियोजना कार्य की बहुआयामी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। जब हम किसी विषय व समस्या के अध्ययन करने के लिए कोई परियोजना बनाते हैं तो उसे बहुत व्यवस्थित ढंग से
चरणबद्ध ढंग से हमें संचालित करना पड़ता है, क्योंकि परियोजना कार्य के चरण जितने स्पष्ट होंगे, जितने व्यवस्थित होंगे, परियोजना एवं उसका निष्कर्ष उतना ही अधिक बहुआयामी उपयोगिता को सिद्ध करेगा। परियोजना कार्य हेतु कुछ चरण हैं जिसकी मैं क्रमबद्ध चर्चा आपके सामने करूंगा। सबसे पहले हम इसमें विषय का चुनाव करते हैं, तत्पश्चात हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उसके बाद हम सूचनादाताओं व उत्तरदाताओं का चयन करते हैं, इसके बाद हम अध्ययन पद्धति का चयन करते हैं जिसमें हम निदर्शन का सहारा लेते हैं और तथ्यों के संकलन के लिए अनुसूची का सहारा लेते हैं। फिर हम अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तथ्यों का विवेचन करते हैं और अंत में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। परियोजना कार्य की वर्तमान में बहुआयामी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। वैश्विक युग में जैसे जैसे विश्व एक छोटे गांव के रूप में परिणित होने लगा है, विश्व के सामाजिक आर्थिक संबंध एक दूसरे से काफी जुड़ने लगे हैं, वैसे वैसे एक तरफ तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, दूसरी तरफ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रोजेक्ट कार्य जैसे तथ्यों की बहुत अधिक महत्ता बढ़ गई है। समाजशास्त्र के हरेक विद्यार्थी को परियोजना कार्य का ज्ञान बहुउपयोगी होता है और मैं आशा करता हूं कि समाजशास्त्र के हर विद्यार्थी को इसका ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। समाजशास्त्र प्रतिष्ठा से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अगर हम यह कहें कि जो रांची विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के लिए जो कोर्स ऑफ स्टडी बनाया है, उसके सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं में कुछ पेपर प्रोजेक्ट वर्क से भी संबंधित हैं और इसको शामिल करने के पीछे विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी अपने परिदृश्य, अपने गांव समाज के बारे में एक जानकारी प्राप्त करें और उसी के आधार पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में इसका उपयोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नीति आयोग, एनजीओस आदि सभी तरह के जो संगठन हैं इसका लाभ ले सकें। परियोजना कार्य का सबसे बड़ा महत्व सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान पाने में है। इसके द्वारा हम सामाजिक परिवर्तन की जानकारी पा सकते हैं, परियोजना कार्य के निष्कर्ष नीति निर्धारण में सहायक हो सकते हैं, परियोजना कार्य ग्रामीण अध्ययनों के लिए बहुआयामी उपयोगिता सिद्ध करता है। ग्रामीण समाज की छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन के लिए हम प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर बहुत सारे तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार स्तंभ भी बनता है और इसके अलावा गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में भी परियोजना कार्य के निष्कर्ष सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।